हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर पंकज कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, अहमदाबाद। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की जो विषय विज्ञान है उसके अंतर्गत जो केमिस्ट्री पोर्शन को लेके चलेंगे, केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो इस चैप्टर को आज हम पिक करेंगे। और इस चैप्टर में टॉपिक लेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमारा पहला चैप्टर है 10th की साइंस में। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं। और फिर हमको ये पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण कैसे लिखी जाती हैं, कैसे उनको संतुलित किया जाता है, उनसे हमको क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हमको इस चैप्टर के अंतर्गत करना है। रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो टॉपिक हम लेंगे केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो इस टॉपिक को भी पढ़ने के पहले थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के पहले हम ये जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो हम एक चीज़ ये जानते हैं कि जो ब्रह्मांड हमारा विभिन्न द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है, तो इस ब्रह्मांड में नियमित कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन जो हैं, अगर हम विज्ञान की भाषा में देखें तो सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस और दूसरा केमिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन या ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है और उन परिवर्तनों में रासायनिक संघटन परिवर्तित नहीं होता है, तो क्या कहलाती हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है जैसे बर्फ लिया आपने, तो बर्फ को आप गर्म कर दें तो ठंडा होके जल, गर्म करें तो फिर वो गर्म करके जल बने और जल को और गर्म करें तो जल से फिर भाप बन जाए, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, भौतिक परिवर्तन देखते हैं। बर्फ, बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो फिर वो जल में परिवर्तित होता है और जल को फिर गर्म करते हैं तो फिर वो भाप में परिवर्तित होता है। बर्फ क्या है? ठोस अवस्था। जल क्या है? द्रव अवस्था। और जो भाप है वो गैस अवस्था। यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अगर इस जल जो ये है तो इनका हम रासायनिक संघटन देखें तो तीनों का सेम है। क्या है? बर्फ में जो अणु होते हैं, जिन अणुओं से बर्फ मिलकर बनी होती है, उन अणुओं का जो रासायनिक सूत्र है वो कितना होता है? H2O। यानी उन एक अणु में, बर्फ के एक अणु में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होता है, जल के अणु में भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होता है और भाप के अणु में भी, भाप के एक अणु में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इनका जो रासायनिक सूत्र है, इनका जो संगठन है, परमाणुविक संगठन है या आणविक संगठन है, वो कैसा है? सेम है, वो नहीं बदलता है किसी भी परिस्थिति में। तो जब ऐसा होगा तो फिर इन तीनों के जो रासायनिक गुण हैं या जिनके जो मूलभूत गुण हैं वो भी नहीं परिवर्तित होंगे, तो फिर ये परिवर्तन कहलाएंगे भौतिक गुण। दूसरे, रासायनिक गुण, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ये हो गए, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन कब होते हैं? रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं रासायनिक परिवर्तन। इन पर जरा सा थोड़ी चर्चा ये करेंगे कि जैसे देखते हैं कमरे के ताप पे अगर दूध, मिल्क थोड़ी देर रखा रह जाए तो फिर कुछ समय के पश्चात वो फट जाता है, या गन्ने का रस है ये रख दिया जाए तो कुछ समय पश्चात उस रस का स्वाद मीठे से फिर खट्टे में परिवर्तित हो जाता है। भोजन हम करते हैं, उस भोजन का पाचन होता है, हमको ऊर्जा मिलती है, तो फिर ये क्या होता है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती है, कैंडल है, उसको हम जब जलाते हैं तो जल के फिर धुआं उड़ जाता है
और जो मोम है उसका वैक्स वो गल के ख़त्म हो जाता है जल के। तो ये परिवर्तन जो है, ये प्रक्रियाएं जो हैं, ये सब परिवर्तन क्या हैं, ये हैं रासायनिक परिवर्तन। तो कहने का मतलब जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन हो जाने के पश्चात इस जो प्रक्रियाएं हैं उनको भौतिक विधियों के द्वारा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। जो रासायनिक परिवर्तन है उनको केवल रासायनिक विधियों के द्वारा ही उत्क्रमित किया जा सकता है, भौतिक विधियों के द्वारा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन है उनको भौतिक विधियों के द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है। ये है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो आपने कहा जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये क्या होती हैं, इनको हम जानते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की डिफिनेशन अगर हम कहें तो ऐसे हम बता सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों के अणुओं में परमाणुओं का पुनर्विन्यास होकर नए गुण वाले नए अणुओं का बनना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो सीधे शब्दों में ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें जिनमें नए गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक क्रियाएं अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं, इनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण जैसे कार्बन का दहन, कार्बन का प्रतीक सी होता है हम जानते हैं, इसको कार्बन को जब हम जलाएंगे तब क्या होगा। तो कार्बन को जलाना, कार्बन का मतलब है किसी भी कार्बन युक्त किसी चीज को आप जलाएं, जैसे लकड़ी को आप जलाएंगे तो लकड़ी जल के फिर धुएं में परिवर्तित हो जाएगी। मोम है उसको जलाएंगे यानी कैंडल को तो जल के धुएं में परिवर्तित हो जाएगी। तो जलने की जो क्रिया उसको हम दहन कहते हैं। तो कैसे होती है, तो कार्बन का दहन, कार्बन को हम जलाएंगे तो ये वायु में जलाएंगे क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की उपस्थित में ही कोई चीज जलती है। तो अगर वायु नहीं है तो फिर वो जलेगी नहीं, वायु का मतलब है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन अगर नहीं इसमें तो फिर नहीं जलेगी। कार्बन जब जलाया जाता है तो हमें पता है एक गैस बनती है, उस गैस का क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन का प्रतीक होता है सी, और जो वायु है वायु को हम लिखते हैं O2 से प्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन की क्रिया O2 से जब होती है तो फिर ये बनता है CO2 जो कि एक गैस है। तो कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, कार्बन का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसको संक्षिप्त रूप में C+O2 गिव्स आउट CO2 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा है मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का बल्कि कह लीजिए मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम रिबन को आप जलाइए तो मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, इसको जब जलाते हैं तो वही फिर इधर काम, जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है, ये जब जलता है तो एक प्रोडक्ट बनता है सफ़ेद पाउडर। मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफ़ेद पाउडर बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का इसी प्रकार से जलना भी रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रिया है। तो Mg+O2 गिव्स आउट MgO, यानी मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर बनता है। यह अभिक्रिया, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जो दो मुख्य बातें और हैं वो ये हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं या जिनके जिन अणुओं में परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है, उन अणुओं को, उन पदार्थों को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, या इनके एक और नाम है अभिकारक या अभिक्रियक, अभिकारक या अभिक्रियक, या एक और का नाम इनका दे सकते हैं अभिकर्मक,
अभिकारक या अभिक्रिया या अभिकर्मक, और इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिजेंट, यानी जिन पदार्थों के अणुओं में परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो अणु क्या कहलाते हैं, अभिकारक अभिक्रियक या अभिकर्मक, ये रिजेंट कहलाते हैं। और पुनर्विन्यास होने के पश्चात जो नए अणु बनते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उन पदार्थों को हम कहते हैं उत्पाद, उनको हम कहते थे प्रोडक्ट, उत्पाद उनको कहते हैं। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, ये है अभिकारक, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी MgO ये क्या है, ये है उत्पाद, ये क्या है उत्पाद। यहाँ पे ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करेंगे तो दो से मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई करेंगे, दो से मैग्नीशियम ऑक्साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब क्रिया में ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये अभिकारक या अभिक्रियक या अभिकर्मक या रिजेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड है ये उत्पाद। अभिकारक एक या एक से अधिक हो सकते हैं, उत्पाद भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे एक चीज हम और क्लियर कर दें, क्योंकि आप 10th में हैं, आप बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं, शुरुआती स्टेज में हैं रसायन विज्ञान के, तो इस चीज को थोड़ा सा हम आपको ऐसे, कक्षा 9 में आप पढ़ के आए हैं डाल्टन का परमाणुवाद, उसमें आपको बताया गया कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब छोटे छोटे अणुओं, यानी अणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु जो होते हैं वो विद्युत उदासीन अति सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं और अविभाज्य होते हैं। तो ये जो गोलाकार, यानी जितने भी तत्व हैं, जितने भी परमाणु, सब गोलाकार हैं, तो इसको उस अवधारणा को देखते इसको करते हैं। ये जैसे कार्बन है तो इसका अणु ये गोलाकार है, इधर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के दो अणु हम मान लेते हैं, ये दो अणु है ऑक्सीजन के, एक अणु में दो परमाणु, हमने ये मान लिया कि ऑक्सीजन का अणु है, ऑक्सीजन का अणु है जिसमें दो ऑक्सीजन के परमाणु है, ये कार्बन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है। इन दोनों के मध्य जब अभिक्रिया होगी, इन तीनों परमाणुओं का जब पुनर्विन्यास होगा, तो फिर क्या होगा, एक कार्बन का जो परमाणु है ये इस कार्बन के परमाणु से, फिर दोनों एक दूसरे से जुड़, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा। यानी ये क्या है, ये CO2 का अणु है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है, CO2 का अणु, ये किसका अणु है, ये है ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का अणु है, गैस का अणु, और ये क्या है, ये कार्बन का परमाणु है। तो इन एक ऑक्सीजन गैस के एक अणु में दो परमाणु है, तो इन तीन परमाणुओं का जब पुनर्विन्यास हुआ तो फिर आपस में क्या हुआ, एक कार्बन के दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ गया, तो फिर ये जो अणु बना ये अणु किसका हो गया, हालांकि ये तीनों आपस में जुड़ने के बाद ये फिर से गोलाकार बन जाएगा अणु। तो इस अणु को हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है। तो इन तीन परमाणुओं से, यानी एक अणु और एक परमाणु से एक नए अणु का बनना क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब यहां पे जो ये नया अणु बनता है, इसके गुण इन दोनों अभिकारकों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यही रासायनिक परिवर्तन का मुख्य परिणाम होता है, कि जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो जो अभिकारक हैं उनके गुण उत्पाद के गुण से सर्वथा भिन्न रहते हैं, ये नए गुणों को, नई संरचना, नए गुण एक्वायर करते हैं, यह है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या होते हैं, अभिलक्षण यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, उनकी पहचान क्या होती है, तो उनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तो इनके अभिलक्षण क्या है, अभिलक्षण सबसे पहले कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो गैस का निकलना, अगर कोई प्रक्रिया हो रही है उसमें से गैस निकल रही है, तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल ये हम लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक, जिंक धातु के टुकड़े या जिंक धातु की छीलन या जिंक के दाने अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम डाल दें तो फिर क्या होता है, उसमें से बुलबुले के रूप में गैस निकलती है। तो उस बुलबुले वाली गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है हाइड्रोजन की। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तन विलयन में जब हम जिंक के दाने या जिंक की छीलन उसमें हम डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। और अगर ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकले दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा जिंक और क्लोरीन के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl2। तो अगर गैस निकल रही है तो इसका मतलब है उसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा, गैस निकलने के बाद अवक्षेप बनना, अगर कोई प्रक्रिया हो रही है और उसमें अवक्षेप बन रहा है, तो अवक्षेप बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवक्षेप बनने के लिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में क्या है हमारे पास, उस बीकर में है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड, और दूसरे बीकर में है हमारे पास लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, इसमें लेड नाइट्रेट भरा हुआ, इसमें पोटेशियम आयोडाइड, और इन दोनों को आपस में मिला दिया, जो किसी तीसरे बीकर में भर दिया जाए, इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो इनके बीच में क्रिया हो जाती है और क्रिया होने के पश्चात फिर नया पदार्थ बनता है। तो नया पदार्थ जो बनता है तो उसको हम देखते हैं उस बीकर की तली में कुछ नया पदार्थ बैठ जाता है। ये विलयन है, ये विलयन है, पोटेशियम आयोडाइड विलयन है, लेड नाइट्रेट का विलयन है, और ये जो है तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों को जब मिला देते हैं तो कुछ पदार्थ तली में बैठ जाता है, ठोस पदार्थ। उस तली में बैठे ठोस पदार्थ को हम बोलते हैं अवक्षेप, और अगर किसी प्रक्रिया में अवक्षेप बन रहा है तो इसका मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया है। इसको रिएक्शन के रूप में हम देख लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है KI और लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3। ये लेड नाइट्रेट हो गया, इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो आपने क्या बताया, अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप किस चीज का बनता है, अवक्षेप बनता है लेड आयोडाइड का, PbI2, लेड PbI2 का अवक्षेप बनता है, ये अवक्षेप बनेगा। तो फिर क्या चीज रहेगी, लेड और आयोडीन से PbI2 बन गया, तो फिर पोटेशियम और नाइट्रेट मिलके बनाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बनाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला K2NO3। ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को दो से गुणा कर देंगे, बन जाए KI पोटेशियम आयोडाइड PbNO3, लेड नाइट्रेट PbI2 पोटेशियम लेड आयोडाइड और K2NO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये अवक्षेप का बनना। यानी अगर किसी परिवर्तन में अवक्षेप बन रहा है, किसी प्रक्रिया में अवक्षेप बन रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा विलक्षण, रंग में परिवर्तन। अगर किसी प्रक्रिया में किसी कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसमें रंग परिवर्तन हो जाता है तो फिर इसका मतलब है उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे हमारे पास साल्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट, फार्मूला है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट को जल में घोल के हमने जलीय विलयन बना लिया। जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो जलीय विलयन होगा वो बैंगनी कलर का होता है, पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में अगर हम सिट्रिक अम्ल डाल दें, सिट्रस फलों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, जैसे कि नींबू, सिट्रिक अम्ल अगर हम डाल दें पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में तो इसका बैंगनी रंग है वो गायब हो जाता है। तो बैंगनी रंग गायब हो जा रहा है, इसका मतलब बैंगनी रंग से कलरलेस रंग गायब हो गया, रंग में परिवर्तन हुआ, तो इसका मतलब है उस सिट्रिक अम्ल के KMnO4 में डालने पर क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हुई। ये है रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण। और अगला है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। किसी अभिक्रिया में, किसी प्रक्रिया में अगर ताप परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब
वो अभिक्रिया क्या कैसी है, वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे जो बाजार से हम लाते हैं बिना बुझा चूना, जिसको हम कली चूना कहते हैं, कली चूना को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालते ही वो अपने आप उबलने लगता है। ये आप प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते हैं। तो उबलने पर क्या होता है, उस चूने का तापमान बढ़ जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर से बढ़ जाता है। तो इस तापमान को बढ़ना क्या कहते हैं, ताप में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रक्रिया को, चूने को जो बाजार से हम चूना लाते हैं, कली चूना उसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO उसका फॉर्मूला होता है। तो अगर इसको हम जल में डालें H2O में, तो फिर ये क्या होता है, उबलने लगता है और उबल के बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये अपने आप, इसको गर्म नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ये बन जाता है और उबलने लगता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ये है ताप में परिवर्तन के बाद में, ये चौथा नंबर होना चाहिए, पांचवा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन को आप कैसे समझाएंगे, अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया होने पर पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। अभी हमने आपको भौतिक परिवर्तन में बताया था कि सिर्फ अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और उसके रासायनिक गुण या उसका संगठन नहीं बदलता है तो फिर वो भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक ही परिवर्तन है, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है, बशर्ते उसका संगठन परिवर्तित होना चाहिए। जैसे कि कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती, मोमबत्ती तो ठोस होती है, जब वो जलती है तो जलने के पश्चात वो पहले लिक्विड उसमें चेंज होती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इस तरह से जो कैंडल है वो ठोस से गैस में चली जाती है, यानी अवस्था इसकी परिवर्तित हो गई। तो इस तरह से ये हो गए इसके अभिलक्षण। तो अवस्था परिवर्तन होना भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया। तो कुल मिला के ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके उदाहरण और उसके जो है अभिलक्षण। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, फिर आगे हम लेंगे रासायनिक समीकरण अगला टॉपिक।